देखिए, आज तो जिस जो देश में परिस्थितियां हैं और जो आपके संसदीय क्षेत्र में परिस्थितियां हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। आज आपके सांसद भाजपा के हैं, सरकार प्रदेश में भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, ठीक है? तो लगभग आप देखिए कि वही स्थिति है जो एक जमाने में जब मेरे पिताजी आपके सांसद होते थे तो हमारी सरकार केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी। और पिताजी ने कितने काम कराए, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनको याद होगा कि कितना काम हुआ अमेठी में, कि देश भर में अमेठी जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग खोले गए, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, यहाँ पे तमाम ऐसे काम हुए जिससे रोजगार बना, खेती हुई। मैं पिछली मीटिंग में बता रही थी कि जब मैं छोटी थी और यहाँ आती थी तो मुझे सफेद सफेद जमीन दिखती थी, तो मुझे याद है, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या है। बुजुर्गों को याद होगा, मैं पिताजी से पूछती थी कि ये जमीन सफेद कैसे हो गई है, पहली बार देखी है। यहाँ तमाम जमीन ऊसर होती थी, उस ऊसर जमीन को हरा भरा करने के लिए काम भी मेरे पिताजी ने कराया कि किस तरह से यहाँ की जमीन उपजाऊ होगी, यहाँ हरियाली आएगी। आज जब हम यहाँ घूमते हैं तो सारा हरा भरा दिखता है। तो मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि अगर नीति नियत ठीक होती है नेता की, किसी राजनीतिक दल की, तो बहुत सारा काम हो सकता है। लेकिन आज आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या है? बहनें बैठी हैं, दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, आधे सामान छोड़ आती हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगली बार ले लेंगे, आज जो ज़रूरी ज़रूरी है वही खरीदेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है, सब कुछ महंगा है। मिट्टी के तेल, चीनी, आपको बोला गया था 13 13 रुपए किलो मिलेगी, मिलती है? चीनी तो मिल ही नहीं रही है, मिट्टी का तेल मिल ही नहीं रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा, सब्जियां महंगी, सब कुछ महंगा है। मतलब ऐसी एक चीज नहीं रही जो सस्ती है, जो आप कह सकते हैं इसका अच्छा भाव है, मैं खरीद सकती हूँ, है कि नहीं? आज आप मेहनत करती हैं, पूरा परिवार मेहनत करता है, आप खेती में करेंगी या कहीं मजदूरी की करेंगी, फिर भी घर आके मेहनत करेंगी, घर आएंगी तो खाना पकाना, घर की सफाई, घर का देखभाल, परिवार के सदस्यों का देखभाल, है कि नहीं? इसके साथ साथ किसान खेती में मेहनत कर रहा है, उसकी कमाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसपे के भी जितने भी खेती के सामान है उस पर भी टैक्स लगा हुआ है, GST। अब वो कमा नहीं पा रहा है, कमा नहीं पा रहा है तो मजदूरी भी कम रख रहा है खेत पे, तो फिर लोगों को रोजगार भी कम मिल रहे हैं। किसान की ये परिस्थितियां हैं कि रात को बैठ के मचान लगे हुए हैं, तमाम मैं आ रही थी देख रही थी, सब मचान लगे हुए हैं क्योंकि आवारा पशु आपके खेत चल रहा है। सालों से ये समस्या चल रही है, किसी की सुनवाई ही नहीं है। दिन में काम करते हो, रात को जाके खेत में बैठते हो अपने खेतों को बचाने के लिए। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो तो ठीक है, वो कुछ बना सकता है रोकने के लिए, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करे? आप बच्चों को बड़ा करते हो, मेहनत से शिक्षित करते हो, कभी कभी कर्ज लेना पड़ता है, बच्चे का ट्यूशन देना पड़ता है, कोई भर्ती की परीक्षा दे रहा है, कोई नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेकिन क्या रोजगार मिल रही है? आज अपने बच्चों का भविष्य आप बनाने की पूरी मेहनत करते हो लेकिन सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिलता। सरकार की तरफ से ऐसी स्कीमें आ रही हैं कि सेना की भी भर्ती जो है उसको 5 साल की कर दी है, वहां जाओ सेना में, वापिस आओगे फिर से बेरोजगार, फिर से नौकरी ढूंढ लोगे। तो इतना प्रशिक्षण करते हैं बच्चे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, 3 3 4 बजे सुबह उत्तर प्रदेश में गांव गांव में दौड़ लगाते थे, छोटे छोटे बच्चे भी, कि हम अभी से लगा रहे हैं, बड़े होके सेना में भर्ती होंगे, उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। एक जमाने में सब सरकारी रोजगार चाहते थे, मुझे याद है यहाँ भी जब आती थी तो सबको सरकारी रोजगार, और बहुत सारे पिताजी के समय मिले भी। आज दिल्ली में जहाँ जहाँ जाती हूँ, NDMC में सरकारी नौकरियाँ, तमाम अमेठी के लोग हैं वहाँ।
आपका तो ये होता था कि अमेठी के हैं तो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आते थे, सारे दरवाजे खुले होते थे आपके लिए। जो बुजुर्ग हैं उनको याद रहेगा, क्यों? क्योंकि एक रिश्ता था सेवा का। प्रधानमंत्री थे लेकिन झुक के आपके पास आते थे, अहंकार नहीं दिखाते थे, आपके घरों में जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। उसके उनके बाद माताजी आई, माताजी ने खूब सेवा की, भैया आए, भैया ने सेवा की, फिर एक नई तरह की राजनीति आई क्षेत्र में। जो आपकी आज सांसद हैं वो क्या इसलिए आए कि आपके प्रति कोई प्रेम थी, श्रद्धा थी? वो तो इसलिए आए कि राहुल गांधी को हराना है, वो तो इसी एक मकसद से आई ना यहाँ, उस मकसद से आई। अब आपके घरों में घुस के गुरदुरिया करा के कि भगवान के नाम पे वचन दो कि भाजपा को वोट दोगे, और आप ठीक है कुछ लोग तो गुमराह भी हो गए, लेकिन समझने वाली बात यह है ना कि अगर आपके लिए वाकई कोई नेता काम कर रहा है तो भगवान के नाम पे वोट मांगेगा कि अपने काम के नाम पे वोट मांगेगा? हम लोग पिताजी के समय, माताजी के समय, भैया के समय यहाँ आते थे प्रचार करने, तो हम भगवान के नाम से वोट नहीं मांगते थे, हम काम से वोट मांगते थे। हम कहते थे कि हमने ये काम किए हैं, ये सड़क बनाई है, ये बिजली के खंभे लगवाए हैं, आपके यहाँ इंडिया मार्ट पर लगवाया है, पाठशाला खुलवाया है, रोजगार दिलवाए हैं, बड़े बड़े उद्योग लाए हैं, और फिर हम कहते थे कि हमें और काम करना है आपके लिए। यही सही राजनीति होती है। गलत तरह की राजनीति आपके जज्बातों का इस्तेमाल करती है और उससे सिर्फ नेता का फायदा होता है, क्योंकि नेता अपने लिए ये परिस्थिति बना देता है कि भैया मुझे काम करने की जरूरत है नहीं, चुनाव आएगा कोई काम तो पूछेगा नहीं मेरा, मैं तो धर्म का नाम लूंगा, जाति का नाम लूंगा, वोट मिल जाएगा। तो नेता की जवाबदेही तो खत्म हो गई आपके प्रति, समझ रहे हैं? कल आप मुझे बोलोगे कि चाहे कुछ भी कर लो, धर्म के नाम पे मैं तुम्हें वोट दे दूंगा या दे दूंगी, तो मैं फिर काम क्यों करूं? आपकी सड़कें क्यों बनाऊंगी? आपके यहाँ बिजली क्यों लाऊंगी? मुझे तो मालूम है कि वैसे भी मुझे वोट मिलना है ना? इसीलिए ये राजनीति आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपके जज्बात धर्म से जुड़े हैं। हम सब हिंदुस्तानी जितने भी लोग हैं हम सब धार्मिक हैं, सबके लिए भगवान प्यारे हैं, धर्म प्यारा है, लेकिन धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल गलत होता है। धर्म के नाम पे सत्ता लो जनता से फिर काम ना करो, ये कौन सी बात हुई? 10 सालों से भाजपा की सरकार रही है, केंद्र में भी रही है, प्रदेश में भी लंबे समय से रही है, क्या किया है आपके लिए? आपके जीवन में तरक्की आई है? रोजगार दिए हैं? महंगाई कम की है? कमाई हो रही है खेती से? जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो पूरे किए हैं? कुछ नहीं किया, बल्कि ऊपर से कह रहे हैं हम संविधान को बदलेंगे। संविधान को बदलने का क्या मतलब है? संविधान क्या देता है आपको मालूम है? सबसे पहले तो वोट का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, आलोचना करने का अधिकार देता है, आंदोलन करने का अधिकार देता है। आपको नाराजगी है किसी बात से कि आपको लग रहा है कोई नीति गलत है, आप आंदोलन कर सकते हो। आपको आवाज उठाने का अधिकार देता है संविधान, आपको आरक्षण देता है। तो बदलने का क्या मतलब है? आपके आरक्षण लेना चाहते हैं? आपके अधिकारों को कम करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं? चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में सत्ता में रहें और आप गरीबी की दलदल में ही फंसे रहें? क्योंकि जब तक गरीब रहोगे, जब तक अशिक्षित रहोगे, जब तक बेरोजगार रहोगे, तब तक आपको गुमराह करते रहेंगे ये लोग। और हम उसका विपरीत चाहते हैं। हम चाहते हैं आप मजबूत बने, हम चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल बने, आप आत्मनिर्भर बनो। इनकी नीतियां देखो, हमने कानून हम कानून लाए थे, भोजन का जो अधिकार है कांग्रेस पार्टी लाई थी कि हर देशवासी का अधिकार होगा, कम से कम 5-6 बोरी का किलो का राशन आपको मिलना चाहिए, ये अधिकार है। आज की नीति देखिए, लो 5 किलो राशन लो और बस, मुंह बंद करो,
इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आपका अधिकार बनाया था कानून ने हमने कि आपको ये मिलना ही है। अब उस पर उन्होंने अपनी फोटो चिपका दी मोदी जी ने और दे रहे हैं आपको। उसके अलावा आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दे रहे हैं? आप नौजवान हो, कल मैं आपसे बोलूं मैं 5 किलो राशन पकड़ा रही हूं, एक तरफ या तुम बताओ, या तो 5 किलो राशन लोगे या रोजगार लोगे, कौन सा लोगे? कौन सा? क्यों? क्योंकि 5 किलो राशन से तो निर्भर बनोगे, जैसे ही वो राशन खत्म होगा फिर से कतार में खड़े हो जाओगे और राशन दो। लेकिन रोजगार मिलेगा तो भविष्य बनेगा तुम्हारा। तो रोजगार देना आपके लिए मौके खोलने कि आप शिक्षित हो, आपको रोजगार मिले, आप कमा पाओ, ये तो सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार कर नहीं रही है। आते हैं मंच पे बड़े बड़े नेता, इनके प्रधानमंत्री जैसे नेता, और फिजूल की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है, कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी, आपके गहने चुराएगी। कैसी बातें हैं ये? बकवास की बातें हैं। प्रधानमंत्री को खुद एहसास नहीं हो रहा है कि 10 सालों से सत्ता में रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता कहलाए जाते हैं, भाजपा के बाकी नेता कहते हैं कि मोदी जी जैसा कोई नेता ही नहीं रहा, और अपना काम का हिसाब नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि क्या किया है देश के लिए। बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ इन्होंने माफ किए हैं, एक किसान का कर्ज माफ किया हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश का किसान 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, बेटी की शादी होती है कर्ज लेना पड़ता है, बच्चों को परीक्षा देनी है कर्ज लेना पड़ता है ट्यूशन को देने के लिए, कि कोई बीमार पड़ता है कर्ज लेना पड़ता है, और उसके लिए एक पैसा नहीं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है हम आपके किसानों के कर्ज माफ करना चाहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने 16 लाख करोड़ कैसे माफ किए बड़े खरबपतियों के? ये बड़े बड़े खरबपति जिनकी शादियां हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े गहने, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनके पास ये पैसे कहाँ से है? ये आपके पैसों से इनके कर्ज माफ हुए हैं, और आपका एक पैसा माफ नहीं है। आपके लिए एक ऐसी स्कीम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है जिससे आप फूलो। जहां जहां से रोजगार मिलता था सब अपने बड़े खरबपति दोस्तों को सौंप दिया। सोचो, आज देश का कोयला, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के सड़कों का ठेका किसके हैं? सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, सब उनको सौंप दिए गए हैं। यहां से रोजगार मिलता था। मैं छत्तीसगढ़ में कोयले के खदान में गई, उसका निजीकरण हो गया, अब सब बड़ा खरबपति तय कर रहा है। पहले सरकार तय करती थी आपके बारे में सोच के, आपकी मजदूरी, आपका वेतन, आपकी सुरक्षा। तो निजीकरण अपने आप खराब नहीं है, लेकिन खराब बात यह है कि आप देश की सारी संपत्ति उठा के 4-5 लोगों को दे रहे हो, कर्ज माफ कर रहे हो उनका, और गरीब को दलदल में छोड़ रहे हो, और उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये आवारा पशु की समस्या, जो रोज रात को आपके खेत चले जा रहे हैं, ये समस्या कांग्रेस की सरकार ने हल की। छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे गौशालाएं बनाई। छत्तीसगढ़ में किसी से भी पूछ लीजिए, वहां महिलाएं काम करके 60-70 हजार कमा रही थी। जानवरों का दूध गांव में भेजा जा रहा था, उसमें से खोया बन रहा था, मिठाई बन रही थी, सरकार गोबर खरीद रही थी ताकि जानवरों का देखभाल करे जनता, उनकी आमदनी हो, गोबर में से गोबर गैस बनाए और अब वापस आपको मिले। तो एक होती है सरकार की नीति जिसमें देश की संपत्ति वापस देश की जनता के जेब में जाए, और दूसरी नीति इनकी जो नीति है कि आपकी सारी संपत्ति लेके किसी बड़े खरबपति के जेब में दे दी। ये फर्क है हम में और उनमें। ये हमारी नीति, हमारी विचारधारा है, वो उनकी है। उनकी विचारधारा है कि आपको गुमराह करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसे वोट लें। हमारी विचारधारा है कि हम अपने काम पर वोट लेंगे, हम आपका विकास करके दिखाएंगे।
यही विचारधारा, यही परंपरा यहाँ पे कायम रही बहुत सालों के लिए। मेरे परिवार के सदस्यों ने अगर आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा तो एक आदर का रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था। सिर्फ आपकी तरफ से हमारे लिए नहीं, हम आपकी श्रद्धा करते हैं। भैया हारे चुनाव, कोरोना आया, लेकिन भैया ने को जैसे ही कोरोना आया और पता चला लॉकडाउन हुआ है, पता चला कि तमाम लोग जो पलायन करके गए हैं उनके लिए कोई साधन नहीं है, मोदी जी ने एक दिन में कह दिया सब कुछ बंद, बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, दुकानें बंद हो गई थी, तमाम लोग फंस गए थे अलग अलग प्रदेशों में। भैया ने सबसे पहले मुझे कहा कि प्रियंका पता करो अमेठी के लोग कहाँ कहाँ फंसे, उनको घर पहुँचाओ। सांसद नहीं थे आपके, आपकी सांसद ने क्या किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि मेरे भाई हारे लेकिन फिर भी उनके मन में ये बात थी कि जो अमेठी की जनता है वो अगर संकट में है उसकी मदद करनी है। ये है हमारा रिश्ता, ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। हमने तमाम लोगों को ढूंढा, गुजरात में, बिहार में, इधर उधर, जहाँ से हम साधन करवा सकते थे, खाना पहुँचवा सकते थे, हमने किया और घर लाए सही सलामत बहुत सारे लोगों को उस समय। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम सेवा करते रहेंगे। आपका समर्थन हमेशा मिला था, पिछले चुनाव में नहीं मिला, फिर भी हमने सेवा की और हम करते रहेंगे। आज किशोरीलाल शर्मा जी आपके प्रत्याशी हैं, इन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ सारे चुनाव लड़े हैं, यहाँ गांव गांव जानते हैं, सब बुजुर्गों को जानते हैं, गांव की समस्याएं जानते हैं, वो जानेंगे कि ये सड़क किसने बनाई और कब बनाई, कि इस गांव में बिजली है कि नहीं है, कब आई, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि 40 सालों से आपकी सेवा की है। आपके जैसे हैं, आपके बीच आएंगे, आपसे मिलेंगे, अहंकारी नहीं है। तो हमने इनको इसलिए प्रत्याशी आगे किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि हम सोचते हैं कि इनसे अच्छा यहाँ के काम कराने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई और नहीं है। हम अपना रिश्ता आपके साथ कायम रखना चाहते हैं। इस चुनाव में हम कुछ गारंटी लाए हैं, वो आप ही की भलाई के लिए हैं। आप जानकारी ले सकते हैं कि जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, हमने जो जो गारंटी दी है वो आज पूरी हो रही है। हमारी सरकारें जहाँ हैं बहनें, वहाँ बहनों के खातों में आज भी पैसे डाले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 8,500 रुपये हर महीने हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डाले जाएं, एक साल में पूरे ये 1,00,000 रुपये बन जाते हैं। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील की महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि आपकी आपका मानदेय बढ़ाया जाए। हम केंद्र की तरफ से दुगनी राशि देंगे ताकि आपका मानदेय कम से कम दुगना हो। इसके अलावा जो सरकारी रोजगार हैं उनमें से आधे रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे। जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1,00,000 रुपये सालाना कमा पाएंगे। जब तक उनकी स्थायी नौकरी न लगे तब तक अपना हुनर भी बनाएंगे और इनको 1,00,000 रुपये सालाना भी मिल जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ हम कानून लाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 5,000 करोड़ रुपए का फंड आएगा ताकि जो नौजवान अपना कारोबार शुरू कर पाए, करना चाहता है, उसके लिए कुछ पैसे हो, सुविधा हो, वो वहाँ से अपने लिए फंड लेकर कारोबार शुरू कर पाएगा। 30,00,000 पद आज मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, हम उन पदों को भरेंगे। खेती किसानी के जितने भी सामान हैं जिस पे आज GST है, उन सबको GST मुक्त किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी अधिकार बनेगा आपका। अगर आपके खेतों में नुकसान होगा तो कानून आएगा कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका भुगतान, पूरा भुगतान होना चाहिए। तो हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। ऐसी तमाम स्कीमें हैं जिनसे आपका फायदा होगा। 25,00,000 का बीमा, स्वास्थ्य बीमा हमने राजस्थान में लागू किया जब हमारी सरकार थी। अभी अभी कुछ मेरे ख्याल से 6 महीने पहले सरकार बदली, लेकिन 6 महीनों पहले तक हमारी सरकार जब थी तो कोई भी इलाज कराना था 25,00,000 के अंदर अंदर मुफ्त होता था। हार्ट के जो मरीज हैं उनकी हार्ट की सर्जरी ऑपरेशन हुआ
उनको एक पैसा नहीं देना पड़ा। तो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, ताकि 25 लाख का सब तक सबका इलाज मुफ्त में हो पाए। ये सब बातें हैं जो हम करना चाह रहे थे आपसे। आपसे उम्मीद है कि 20 तारीख को जो पहले नंबर पे पहला बटन है, उस पे जो पंजे का निशान है, उसको दबा के आप भारी बहुमत से किशोरी जी को जिताएंगे, ताकि फिर से एक बार सेवा की राजनीति, समर्पण की राजनीति अमेठी में वापस आए। तो आपसे ये उम्मीद है, आशा है कि आप वोट डालने समय मेरी बातों के बारे में सोचेंगे और अपने पूरे विवेक से अपने ही भविष्य के प्रति, अपने ही परिवारों के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे सपा के भी साथी हमारे साथ हैं आज, क्योंकि इस चुनाव में हमारा गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन एक गठबंधन है तमाम पार्टियों का, जो चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बना रहे, कि इस देश में विकास पर आधारित राजनीति चले और सही राजनीति चले। इसीलिए हम सब ये चुनाव इकट्ठा लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।